हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं अनरिस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल, या सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल इसको सिंपली बोलते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है, उसका मैं अभी क्विक रिकैप आपको देता हूँ कि फ्लो कंट्रोल क्या है। फ्लो कंट्रोल एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से दो स्टेशन जो डिफरेंट स्पीड पे काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। और वो दो स्टेशन कौन कौन से हैं, वो है सेंडर और रिसीवर। तो ये होता है फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। अभी फ्लो कंट्रोल्स की क्या बेनिफिट्स और क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं और कौन कौन से टाइप्स हैं वो आप जाकर देख लो, उसका लिंक मैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल। तो फ्लो कंट्रोल में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज करते हैं, वो जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, नॉइजी चैनल और नॉइजलेस चैनल के लिए, ठीक है। तो नॉइजलेस चैनल में कौन कौन से प्रोटोकॉल है, एक तो है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल और दूसरा है सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल। यहाँ पर किसी ने मेंशन करना भूल गए वो, तो यहाँ पर सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल। तो जो सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते अभी पढ़ने वाले हैं वो किस चैनल के लिए यूज किया जाता है, नॉइजलेस चैनल, ठीक है। अभी सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल में क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके पहले कुछ फैक्ट्स, कुछ बातें आपको एज्यूम करना होगा कि सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल काम करे उसके पहले कौन कौन से कंडीशंस हैं जिस कंडीशन पे सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल काम करेगा। यहाँ पर प्रो नहीं होगा, ये प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। तो देखिए, सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल में पहला कंडीशन ये है कि डेटा विल बी ट्रांसमिट इन ओनली वन डायरेक्शन। डेटा क्या होगा, केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा, मतलब सेंडर केवल डेटा को ट्रांसमिट ही करेगा, ठीक है। केवल डेटा को सेंड करेगा और रिसीवर केवल डेटा को रिसीव करेगा। रिसीवर एक्नॉलेजमेंट वगैरह नहीं भेजेगा, रिसीवर सेंड करने का कोई काम नहीं करेगा और सेंडर रिसीव करने का कोई काम नहीं करेगा। जैसा हम लोग स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल या स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में एक्नॉलेजमेंट सेंडर भेजता है, रिसीवर भेजता है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर केवल एक डायरेक्शन में डेटा जाएगा, ठीक है। बोथ द नेटवर्क लेयर आर ऑलवेज रेडी फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग द डेटा, दोनों साइड में, ठीक है। बोथ नेटवर्क लेयर मतलब सेंडर और रिसीवर का नेटवर्क लेयर, दोनों साइड का नेटवर्क लेयर हमेशा रेडी रहेगा डेटा को रिसीव और ट्रांसमिट करने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि डेटा आ रहा है और नेटवर्क लेयर अभी हमारा रेडी नहीं है, या वहां पर कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है, या वो कोई बिजी है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ऑलवेज रेडी रहेंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम हम लोग इग्नोर कर देते हैं। प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है कि लेट सपोज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रिसीवर के साथ पांच पहुंचा, तो रिसीवर को उस डेटा को कंज्यूम करने में कुछ टाइम लगता है। लेकिन इस सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल में हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम लगता ही नहीं है। जिस सेकेंड पे, जिस टाइम पे रिसीवर को जो भी डेटा अमाउंट मिला, जो अमाउंट ऑफ डेटा मिला, वो उसको इंस्टेंटली क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है। प्रोसेसिंग टाइम एकदम जीरो होता है। All the communication channel between the data link layer will never be damaged or no frame will be lost. ठीक है, means data link layer, हम लोग जो भी protocol use करते हैं किस layer पे use करते हैं, data link layer, तो communication channel हमारा always ready रहेगा। जो भी communication channel रहेगा, जैसे fiber, optical fiber हो सकता है, twisted pair cable fiber हो सकता है, जो भी communication channel है वो हमेशा ready रहेगा data को भेजने के लिए। कभी भी हमारा data communication channel damage होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि damage नहीं होगा तो loss भी नहीं होगा ना frame का। अभी सेंडर और रिसीवर ऑलवेज रेडी होंगे डेटा को प्रोसेस करने के लिए और सेंड करने के लिए, ठीक है। और सेंडर और रिसीवर के पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ बफर होंगे। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ बफर मींस क्या होता है कि जैसे भी रिसीवर के पास डेटा मिलता है, तो वो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो पहले वो डेटा को किस में स्टोर करता है, बफर में स्टोर करता है, फिर वो बफर से डेटा को निकाल निकाल प्रोसेस करता है अपने स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या एज्यूम करके चलेंगे कि रिसीवर के पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ बफर है। अगर रिसीवर को 2-4 GB डेटा एक बार में मिल जाता है तो वो सबको स्टोर कर लेगा, जितने अमाउंट ऑफ डेटा भेज दो वो सबको स्टोर करके इंस्टेंटली प्रोसेस कर लेगा, ठीक है। तो और सेंडर के पास भी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ बफर है, उसको जैसे ही डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कितना भी डेटा दे दो, वो तुरंत का तुरंत उसको सेंड कर देगा या तुरंत उसको प्रोसेस कर लेगा। उसको ऐसा कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि अब उसका बफर ओवरफ्लो कर रहा है या बफर फुल हो चुका है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ एजम्पशन है जो कि सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल पहले से ही हम लोग एज्यूम करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। तो सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल में सिंपली यही है, एकदम सिंपल सा प्रोटोकॉल है कि जैसे डेटा अवेलेबल होगा किसके पास, सेंडर के पास, वो एज इट इज जैसे अवेलेबल होगा तुरंत का तुरंत उस डेटा को सेंड कर देगा, ठीक है। सेकंड भी नहीं लेगा, जैसे मिला उसको डेटा तुरंत का तुरंत सेंड कर दिया। जैसे जैसे घर में आपको कोई काम बोला, कोई भी, आप तुरंत कर दिए एकदम बिजली की रफ्तार में, ठीक है। और रिसीवर भी क्या करेगा, रिसीवर को जैसे डेटा मिला वो उसको इंस्टेंटली प्रोसेस कर लेगा, तुरंत मिला डेटा नहीं कि खत्म, ऐसे काम करता है हमारा सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल। अब आप बोलोगे सर ऐसा कुछ होता थोड़ी है, और ये हमारा मकसद थोड़ी है फ्लो कंट्रोल का, इसमें तो हम लोग कुछ भी हो सकता है, सेंडर बहुत तेजी से डेटा भेजे, रिसीवर
स्लो प्रोसेसिंग करेगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। फ्लो कंट्रोल में तो हम लोग यही करते हैं कि सेंडर का स्पीड ज़्यादा है, रिसीवर का स्पीड कम है, तो सेंडर का स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रिसीवर का स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग अपने सारे डेटा को फ्लो कराते हैं। इसमें तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो भाई देखिए, इसमें यही दिक्कत है कि फ्लो कंट्रोल, ये जो सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल है ना, ये अनरियलिस्टिक प्रोटोकॉल है, ठीक है, हाइपोथेटिकल प्रोटोकॉल है, ठीक है। क्यों हाइपोथेटिकल और अनरियलिस्टिक प्रोटोकॉल है, तो ऐसे प्रोटोकॉल को हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं? बात उठता है कि आखिर इसमें तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। इसमें तो मतलब एकदम आइडियल कंडीशन है कि डेटा मिला नहीं कि तुरंत भेज दिया, उधर डेटा सब मिल भी गया, उधर प्रोसेस भी हो गया, तो फिर आखिर पढ़ते क्यों है? ये इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग जीवन में जितने भी प्रोटोकॉल अभी तक बनाया है या जो हम लोग आगे फ्यूचर में बनाएंगे, उसको कंपेयर करते हैं कि हमारा प्रोटोकॉल इस चीज को अचीव करने में कितना सक्सेसफुल है, ठीक है। एक होता है ना, आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है एग्जाम जब अपडेट हो, 100 नंबर हो गया लेट सपोज, ठीक है, और आपका आता है 99, इट मीन्स आप में कुछ ना कुछ अभी कमी है, ठीक है। या अगर आपका आता है 90, आप कंपेयर करते हो 100 से कि हाँ आप में कुछ ना कुछ कमी है और आप इससे भी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल है ना, ये टॉपेस्ट मतलब एकदम बेस्ट प्रोटोकॉल है, ऐसा होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग जितने प्रोटोकॉल बनाते हैं ना, उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हम लोग कुछ अचीव कर पाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक बेसिस प्रोवाइड करता है सारे जो भी हम लोग प्रोटोकॉल डिफाइन करेंगे या जो भी हम लोग बनाते हैं या फ्यूचर में जो भी हम लोग बनाएंगे, उन सारे प्रोटोकॉल के लिए एक बेसिक, एक टॉप लाइन डिफाइन करता है, ठीक है। अभी जैसे अगर इसको मैं अगर डायग्राम के साइड से बताऊं, तो देखिए देखिए, ये सेंडर साइड है, सेंडर साइड में एक होगा नेटवर्क लेयर। अब जो भी हम लोग प्रोटोकॉल होता है फ्लो कंट्रोल, वो किस लेयर में इंप्लीमेंट करते हैं, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। ये OSI मॉडल का बहुत सारे उसमें लेयर होते हैं ना, तो डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर, ठीक है। तो फिजिकल लेयर से जैसे उसको डेटा मिलेगा डेटा लिंक लेयर में, ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर में हमारा फ्लो कंट्रोल काम करता है, तो वो जैसे उसको डेटा मिला उसको इंस्टेंटली उसको प्रोसेस किया और फिजिकल लेयर में भेज देता है सेंडर साइड। और रिसीवर साइड में क्या होगा, जैसे फिजिकल लेयर से उसको डेटा मिला डेटा लिंक लेयर को, वो इंस्टेंटली क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको किस में भेज देगा, नेटवर्क लेयर में भेज देगा, ठीक है। तो सेंडर साइड में क्या होता है, नेटवर्क लेयर से उसको डेटा मिलता है, उसको तुरंत प्रोसेस कर फिजिकल लेयर में भेज देता है। और रिसीवर साइड में क्या होता है कि फिजिकल लेयर से उसको डेटा मिलता है और प्रोसेस कर उसको किस में भेज देता है, नेटवर्क लेयर में भेज देता है, ठीक है। और इसमें तो केवल एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है, ऑलवेज सेंडर साइड में यही प्रोसेस होगा और रिसीवर साइड में ऑलवेज यही प्रोसेस होगा। और यही चीज को मैंने क्या लिखा है, वर्ड में लिख रखा है, ठीक है। अभी अगर आप इसको फ्लो डायग्राम से दिखाओ, तो सेंडर क्या कर रहा है, डेटा भेजते जा रहा है, डेटा सेंडर भेजते जा रहा है और रिसीवर डेटा को कंज्यूम करता जा रहा है, ठीक है। कोई भी एक्नॉलेजमेंट किसी भी टाइप का कुछ भी एक्नॉलेजमेंट रिसीवर के साइड में, रिसीवर के साइड से सेंडर साइड में नहीं आता है, ये सारे फ्रेम्स जो भी आ रहे हैं वो रिसीवर कंज्यूम करता जा रहा है, ठीक है। ये ऐसा होता है हमारा सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल या स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल या स्टॉप एंड वेट ERQ प्रोटोकॉल, जितने भी सारे फ्लो कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे मैं कवर करने वाला हूँ, तो सारे आप इसी चैनल पर कवर कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।